हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर की EDDE सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिले है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल स्विच, मैनुअल स्विच, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, इलेक्ट्रिकल स्विच। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंटैक्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोलिंग पावर फ्लो, कंट्रोलिंग लोड, प्रोटेक्टिंग सर्किट, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, कंट्रोलिंग पावर फ्लो। कंटैक्टर का प्रयोग कंट्रोलिंग पावर फ्लो के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटैक्टर्स को ऑन या ऑफ किया जाता है। दोस्तों, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर, हीट देकर, प्रेशर देकर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर। कंटैक्टर्स को ऑन या ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल SBSV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंटैक्टर में टर्मिनल होते हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पावर टर्मिनल, कंट्रोल टर्मिनल, उपरोक्त दोनों, चैनल टर्मिनल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, उपरोक्त दोनों। कंटैक्टर में पावर टर्मिनल, कंट्रोल टर्मिनल दोनों होते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटैक्टर स्टार्टर का एक भाग होता है। ये बात सत्य है कि असत्य? दोस्तों, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रू या फॉल्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, ट्रू। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरलोड रिले आर ऑफ टाइप। दोस्तों, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, सॉलिड स्टेट, थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर सुरक्षा के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, थर्मोकपल टाइप रिलेज, बीमेटैलिक रिलेज, इलेक्ट्रॉनिक रिलेज, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटैक्टर होते हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, थ्री पोल्स कंटैक्टर्स, फोर पोल्स कंटैक्टर्स, ऑल ऑफ द एबव, नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, ऑल ऑफ एबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉली सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज, ओवर करेंट, ओवरलोड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। डॉली सुरक्षा के लिए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रदान किए जाते हैं।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल स्टार्टर द्वारा स्टार्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ओवरलोड रिले, नो वोल्ट कॉयल, बैकअप फ्यूजेज, प्रोटेक्टिव अर्थ कंट्रैक्टर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, बैकअप फ्यूजेज। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की मुख्य भूमिका क्या है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट, टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, टू प्रोड्यूस्ड स्टार्टिंग टॉर्क, टू लिमिट द स्पीड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को DOL स्टार्टर का उपयोग क्षमता वाली मोटरों के लिए किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, लेस देन 5 HP, लेस देन 10 HP, ग्रेटर देन 10 HP, फॉर एनी कैपेसिटी मोटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, लेस देन 5 HP। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को DOL स्टार्टर का उपयोग लेस देन 5 HP क्षमता वाली मोटरों के लिए किया जाता है। दोस्तों यहां पर HP का मतलब हॉर्स पावर है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल स्टार्टर का NO और NC कांटेक्ट सामान्यता होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन, ओपन ओपन, क्लोज्ड क्लोज्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, ओपन क्लोज्ड। डॉल स्टार्टर में NO का मतलब ओपन और NC का मतलब क्लोज्ड होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेटिंग के मोटर्स को शुरू करने के लिए एक डॉल स्टार्टर लगाया जाता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 3.75 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 15 किलोवाट, 0.25 किलोवाट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, 3.75 किलोवाट। 3.75 किलोवाट रेटिंग के मोटर्स को शुरू करने के लिए एक डॉल स्टार्टर लगाया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की क्या भूमिका है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, टू लिमिट हैवी स्टार्टिंग करंट, टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, टू अवॉइड मेल फंक्शनिंग, प्रोड्यूस ड्यू ए लार्ज वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।